नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को अपने एक समय में लोगों ने जहर से मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वो बच गई। हम आपको बताते हैं आखिर मामला क्या था। जनवरी 1963 में लता मंगेशकर ने अपना अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उसके बाद 1962 में उनको जहर देकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था। 1960 के आरंभिक वर्षों तक लता मंगेशकर बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी। उनके गाने की वजह से फिल्में हिट होने लगी थी। ऐसे ही दौर में 1962 में वे बेहद गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और बहुत लंबे समय तक बीमार रहीं। उस दौरान में लता मंगेशकर का हौसला टूटने लगा था कि उनको लगने लगा था कि शायद अब वो कभी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन नहीं कर पाएंगी। एक दिन सुबह जब वो सोकर उठी तो उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। वो बिस्तर से उठकर कहीं जाने की हालत में नहीं थी और बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। अचानक उनको उल्टियां होने लगी। फौरन उनके पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि लता मंगेशकर के पेट का एक्सरे करना होगा। लता मंगेशकर की ऐसी हालत नहीं थी कि उनको एक्सरे करवाने के लिए अस्पताल या किसी क्लिनिक तक ले जाया जाए। ऐसी हालत में उनके घर पर ही एक्सरे मशीन मंगवाई गई। डॉक्टर ने एक्सरे किया और उल्टियों की जांच की गई। इन दोनों की रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद डॉक्टर ने बताया कि लता जी को धीमा जहर दिया जा रहा था। नसरीन मुन्नी कबीर को दिए एक साक्षात्कार में लता जी ने जहर देने की इस प्रसंग की बात की थी। लता जी ने बताया कि जब उनकी बहन उषा को ये पता चला तो उनको जहर दिया जा रहा है, तो वे सीधे रसोई में पहुंची। उनका एक नौकर था जो खाना बनाया करता था। उषा ने उस दिन उस नौकर से कहा कि अब उसको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उषा खुद अपनी दीदी के लिए खाना बनाया करेंगी। इतना सुनते ही वो नौकर बगैर किसी को बताए लता जी का घर छोड़कर चला गया। उसने अपना हिसाब भी नहीं किया और अपने बकाए पैसे भी नहीं लिए। तब परिवार के लोगों को ये लगा था कि किसी ने लता जी के घर में उस नौकर को जहर देने के लिए ही रखवाया था। जब नौकर को लगा कि उसका भेद खुलने वाला है तो वो घर छोड़कर चला गया। परिवार वालों को ये भी याद नहीं था कि उस नौकर को कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने के लिए रखा था। लता मंगेशकर करीब 3 महीने तक बीमार रहीं। इस दौरान बेहद कमज़ोर हो गई थी। उनके पारिवारिक डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि वो घर पर ही रहे और गाने ना गाएं। गाना नहीं गाने की बेचैनी भी लता मंगेशकर को परेशान कर रही थी। जब मजरू सुल्तानपुरी को पता चला कि लता मंगेशकर बीमार है तो वो नियमित रूप से शाम को वो लता मंगेशकर घर आने लगे थे। तो लता जी के साथ बैठकर उनको कविता और कहानियां सुनाकर उनका मन बहलाया करते थे। लता जी के अंदर विश्वास भरने के लिए वो भी वही खाना खाते थे जो लता मंगेशकर को दिया जाता था। लता मंगेशकर ने माना था कि मधुरू की सोहबत ने उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया। 1962 की इस घटना को याद करते हुए लता मंगेशकर भावुक हो जाया करती थी। तो दोस्तों, यही देखिए, जब आदमी शिखर तक पहुंचता है, शिखर तक चढ़ता है, कामयाबी उसके आसपास होती है और वो यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त करता है तो जलने वाले भी पीछे लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खींचा जाए, इसे पायदान तक नहीं पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, आप भी अपने मेहनत से, अपने बल से आगे बढ़ रहे हैं, यश कीर्ति सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो सावधान रहिएगा कहीं आपके साथ भी ऐसी कोई घटना ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।